इन दोनों टीवी सीरियल अनुपमा में भोली भाली अनुपमा बनी अभिनेत्री रूपाली गांगुली सूट साड़ी तक ही सीमित रहती हुई बेहद सादगी वाली जिंदगी जी रही हैं, जिनकी साधारण लाइफस्टाइल तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इनकी रियल लाइफस्टाइल से रूबरू हुए हैं कि असल जिंदगी में ये कैसी लाइफस्टाइल जीती है? क्या रियल में भी इनकी जिंदगी जीने का अंदाज साधारण है या ऊपर? इन सभी सवालों के जवाब देने आज हम आपको आए हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। छोटे पर्दे की दमदार अभिनेत्री रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता बंगाल में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने 2002 में मेडिकल ड्रामा सीरीज संजीवनी में मेडिकल इंटर्न डॉक्टर सिमरन चोपड़ा के किरदार के साथ टीवी उद्योग में कदम रखा था। हालांकि साराभाई वैसे साराभाई में मोनिशा साराभाई की भूमिका निभाने के बाद ये घरेलू नाम बन गई थी। तब से अभिनेत्री बा और बेबी और परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी जैसे कई डेली सोप में दिखाई दी। पर अभी अनुपमा के साथ टीआरपी चार्ट में राज कर रही है, जहाँ से ये प्रति एपिसोड 3 लाख रूपए चार्ज करती है और इनकी कुल संपत्ति लगभग 30 करोड़ रूपए तक है, जिसके चलते अभिनेत्री एक आरामदायक और शानदार जीवन जीती हैं। जी हाँ, आपको बता दें, 35 साल की रूपाली गांगुली अपने पति अश्विन के वर्मा और बेटे के साथ मुंबई में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहती हैं। बता दें, इनका घर एक विशाल निवास है जिसमें 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम है। साथ ही शानदार बालकनी व्यू और सफेद फर्श इनके घर को और अधिक सुंदर बनाते हैं। इसके अलावा ये एक जगुआर कार के मालिक भी है जिसकी कीमत 90 लाख रूपए है और एक महिंद्रा थार है जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रूपए है। घर बंगला गाड़ी पर ही नहीं, ये तो अपनी फैंसी लाइफस्टाइल पर भी लाखों का खर्चा करती है। जी हाँ, सूट साड़ी में दिखने वाली रूपाली गांगुली असल जिंदगी में काफी स्टाइलिश ड्रेसेस, गाउन, जींस टॉप कैरी करती हुई हाई हील्स के सैंडल पहनती और अपने पार्लर मेकअप के अलावा घूमने फिरने और पार्टी शार्टी करने पर भी लगभग 50,000 रूपए पानी की तरह बहाती हैं। तो दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की इतनी शानदार लाइफस्टाइल देखकर? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।